यूपी तक का परिवार अब 80 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरह से देखे तो उस आलोक मौर्य के साथ बहुत बुरा हुआ, बट ऐसा जो न्यूज़ आ रहा है कि अगर सबको विड्रॉ करवा रहे, पढ़ाई के अपनी वाइफ को पढ़ने नहीं दे रहे, तो एक केस की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। एक लड़की ने कुछ कर दिया तो इसका मतलब पूरी लड़की कम्युनिटी गलत, ये कैसे सही हो सकता है? ये तो पूरी तरीके से गलत है। SDM ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या इन दिनों इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ऐसा आरोप है कि SDM बन जाने के बाद से जब ज्योति मौर्या को पता चला कि उनके पति एक सफाई कर्मी है, तो उन्होंने उनसे नाता, उनसे संबंध तोड़ दिया। लेकिन इसका असर ये हुआ कि जगह जगह से ऐसी खबरें आने लगी कि वे पति जो अपनी पत्नियों को तैयारी करा रहे थे किसी कंपटीशन की, किसी पढ़ाई की, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आने लगे, और इससे ख़ास तौर से उन लड़कियों के साथ समस्या खड़ी होने लगी जो कहीं ना कहीं अपने पति पर आश्रित होकर पढ़ाई कर रही हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। लड़कियों पर, छात्र छात्राओं पर इसका, इस घटना का क्या असर पड़ा है, यह जानने के लिए BHU के DAV कॉलेज में हम आ पहुँचे हैं और यहाँ पर तमाम छात्राएं हैं, छात्र हैं, जो कहीं ना कहीं इस जो कहे निजी जो लड़ाई थी और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर आ गई है, और इससे कहीं ना कहीं हर कोई प्रभावित हो रहा है, अपने कैरियर से खुद को इंडिविजुअली जोड़ के देख रहा है। आप BHU के इस DAV में छात्र हैं तो किस तरह देख रहे हैं, पहले अपना नाम बताइए और इस पूरी घटना को किस तरह देख रहे हैं? मेरा नाम आर्यन है और मतलब एक तरह से देखे तो उस आलोक मौर्य के साथ बहुत बुरा हुआ, बट ऐसा जो न्यूज़ आ रहा है कि अगर सबको विड्रॉ करवा रहे, पढ़ाई के अपनी वाइफ को पढ़ने नहीं दे रहे, तो एक केस की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। तो डिवोर्स होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत मतलब कि अगर एक लड़का भी बाहर जाता है कुछ काम कर रहा है तो वहाँ पे वो कभी किसी से चीट कर लिया, तो इसका मतलब कि अब हस्बैंड को, लड़के को काम करना बंद कर दे, हर लड़का को विड्रॉ कर ले कि लड़का को जॉब नहीं करना है, सेम वाइस वर्सा है, सो फीमेल के साथ भी हो सकता है। तो एक केस की वजह से हम लोग इतना सारा नहीं कर सकते, बट हाँ आलोक मौर्य के साथ जो हुआ है, पर्सनली एज अ बॉय हम फील करते हैं उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं ये मेल हैं तो हो सकता है उनसे उनकी संवेदना हो, लेकिन जिस तरह के आरोप हैं कि आलोक मौर्य ने जो अपनी जानकारी शादी के वक्त दी थी, ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर खुद को इंट्रोड्यूस किया था और उसी आधार पर उनकी शादी हुई, शादी का कार्ड भी अब सामने आया है, तो क्या लग रहा है वो शादी जिसकी बुनियाद झूठ पर रखी गई हो वो आगे सफल हो सकती है कि नहीं, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताइए। मेरा नाम रानी जायसवाल है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें शादी के कुछ सालों बाद ये चीज़ पता चली होगी कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उन्हें तुरंत ही विड्रॉ कर लेना चाहिए था, उनका रिएक्शन तुरंत होना चाहिए। अभी इतने सालों बाद और जब उन्होंने गलत किया हुआ है और वो पकड़ी जा रही हैं, तो वो ये नहीं बता सकती कि उनके साथ पहले गलत हो चुका है। जब आपके साथ गलत हुआ तो आप ये नहीं बता सकते मेरे साथ 10 साल पहले ये चीज़ गलत हुआ है। ये बात तो कहीं ना कहीं आलोक बोल रहे हैं, ये अभी कहीं बात प्रूफ नहीं हुई, ये तो अभी सिर्फ एलिगेशन है, आरोप है कि ऐसे ऐसे उनको किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे अधिकारी के साथ देखा गया है, पाया गया, पकड़ा गया है। इसका अभी कोई प्रमाण तो ऐसा कुछ सामने आया, मतलब सिर्फ आरोप है, आरोप के आधार पर किसी को इस तरह से फैसला देना ये तो सही नहीं होगा। जैसा जांच बाकी लोग जिस परसेप्शन में जी रहे हैं या एक महिला के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो आप एक महिला होने के नाते, एक छात्रा होने के नाते, क्या ऐसा करना भी सही है सिर्फ आरोप के बिना पे किसी को गलत ठहराना? तब तक जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती है तब तक हमें नहीं लगता कि हमें फिर दोनों साइड से बोलना चाहिए। ऐसे ये हर न्यूज़ को पब्लिक तो नहीं करना चाहिए था, वो उनका पर्सनल मैटर था, बट अगर फिर भी एक अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे इतना बोल रहा है तो कुछ तो बेसिक रियलिटी होगी, तभी तो बोल रहा है वो, वरना ऐसे वो अपनी वाइफ के बारे, और जब उसको वाइफ को पता चला था लिटरली, अगर वो पहले गलत था तो उसको पहले ही विड्रॉ कर लेना चाहिए था, शादी से पहले डिवोर्स दे देना चाहिए था। अभी जो ज्योति मौर्य का अभी जस्टिफिकेशन है और वो जिस तरीके से सफाई दे रही है वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है तभी वो जस्टिफाई कर रही हैं, वरना जस्टिफाई करने का मतलब ही नहीं है ना। वो तो बता रही हूँ उनके साथ पहले गलत हुआ है, क्योंकि अभी उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। क्या मान रही हैं कि जिस तरह की एक विडम्बना सी हो गई है कि अब जो छात्राएँ हैं, स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके साथ में बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है, एक गलत मैसेज जा रहा है, अपना नाम बताओ।
मेरा नाम आकांक्षा पाठक है और मेरा इस पूरे मुद्दे पे ये मानना है कि जिस तरह से यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि एलिगेशंस एक औरत पर लग रहे हैं, बट बड़ी ही आसानी से और अगर हम सर्च करने जाएं तो हमें बहुत से केसेस मिलेंगे जहाँ पे केस एग्जैक्टली उल्टा है, जहाँ पे ग्रामीण भारत के, हमें आज भी पता है कि एजुकेशन कितना बड़ा स्टिग्मा है, शहरों में भी है और गांव में तो बहुत ही ज़्यादा, तो हमें स्पेशली हम औरतों को ये अधिकार पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का कई सालों की स्ट्रगल के बाद मिला है। और अगर हम ग्रामीण भारत में भी ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने जाए जहाँ पे माएँ या फिर पत्नियाँ अपने हस्बैंड्स को, अपने घर के लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भेजती हैं, तो उनमें भी ऐसे कई केसेस हमें मिलेंगे जहाँ पे उनके साथ फेयर नहीं होता है इन द एंड। बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमने जो इतने सालों में एक अधिकार कमाया है, इतनी मेहनत से, ना जाने कितनी औरतों ने ये उत्पीड़न झेला है इतने सालों से, उनकी स्ट्रगल आज हम, आज की डेट में हम एक एग्जांपल के बेसिस पे ज़ीरो नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच में जो भी हुआ ये इनका पर्सनल मैटर है, हमें पूरी जानकारी, पूरी जाँच कम्प्लीट होने देने का वेट करना चाहिए, हमें कोई ओपिनियन नहीं बना देना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, बट एक ऐसा ओपिनियन हमें एज अ कम्युनिटी फॉर्म करना चाहिए कि इसका जो इम्पैक्ट और रिजल्ट जा रहा है उन औरतों पे जो शायद जेन्युइनली पढ़ लिख के कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं, उनसे वो मौका छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बहुत सही बात इन्होंने कही कि जो डिजर्व करती हैं, जो लड़कियां, जो महिलाएं जो कहीं पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं और दशकों की या कहें सदियों की तपस्या के बाद अभी ये लड़कियों को अधिकार मिलना शुरू हुआ है खुद को साबित करने का, एक केस को रोल मॉडल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जी ज़रूर, एक केस को हम रोल मॉडल की तरह नहीं ले सकते क्योंकि हर किसी को पढ़ने का, एक तो औरतों को पढ़ने का वो मौका मिलता नहीं है और फिर शादी के बाद वो मौका मिलना एक और बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहां लड़कियों को कॉलेज में वो जाने से पहले या जब वो पढ़ रहे होते हैं तभी उनकी शादी करा देते हैं और ये बोला जाता है कि पढ़ लेना, लेकिन वो उनको मौका मिलता नहीं है। और वो अभी अगर ये होगा कि पढ़ाना ही नहीं है जस्ट बिकॉज उनको ये वाला एग्जाम्पल मिला है ज्योति मौर्या का, तो फिर तो हम लोग फिर कई साल पीछे चले जाएंगे शिक्षा के मामले में। और अगर हम अपनी हिस्टोरिकली भी देखें तो हमें पता है कि रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी जो ज़िम्मा उठाया था झांसी के लोगों का, वो भी उनके, उन्होंने वो शादी के बाद वो ज़िम्मा उठाया, उन्हें वो शक्ति अपने पार्टनर से मिली, वो सपोर्ट हमेशा से मिला। तो हमें, अगर हमारे पास एक ख़राब एग्जांपल है कि शादी करने के बाद और पार्टनर के सपोर्ट के बाद शायद कुछ चीज़ें गलत जा सकती हैं, तो हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा अच्छे एग्जांपल और उदाहरण भी हैं, तो हम उन्हें क्यों ना माने। ऐतिहासिक रूप से पहले हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं जो उदाहरण साबित हुई हैं समाज के लिए कि शादी के बाद उन्होंने बहुत तरक्की की, अंग्रेज़ों से लोहा लिया, चाहे झांसी की रानी हो, और महज सिर्फ एक उदाहरण से, ज्योति मौर्या के उदाहरण से, उन सारी चीज़ों को हम भुला नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं, हीरा ठाकुर की बात आ रही है कि हर कोई हीरा ठाकुर नहीं बन सकता, रीप जो ह्यूमैनिटी रीप की बात आ रही है, उस मतलब मानवता कहीं ना कहीं मरती चली जा रही है, तो क्या लग रहा है कि वास्तव में इसका कितना असर पड़ा है इस एक केस का जितना नहीं होना चाहिए था, खास होते लड़कियों को, महिलाओं को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आई थिंक जो भी केस हुआ है वो अगेन एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है एक इंडिविजुअल का, तो उसको एकदम ऐसे जनरलाइज करना कि अगर एक इंडिविजुअल ने अपने पार्टनर के साथ ऐसा किया है तो हर कोई कर सकता है, वो बहुत ही गलत होगा, बहुत ही बेसलेस होगा। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा किया तो हर वाइफ करेगी, और अगर हम जेंडर रोल्स रिवर्स कर दें तो इवन कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि कई हस्बैंड्स भी इस तरीके के सेम एक्टिविटीज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से आज इस चीज़ को व्यू करा जा रहा है, एक बहुत ही बायस क्रिएट हो रहा है टुवर्ड्स वुमेन, टुवर्ड्स कम्युनिटी ऑफ दोज वुमेन जो कि पढ़ाई कर रही हैं या तैयारी कर रही हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट ओके, बिकॉज इससे एग्जैक्ट वही कि बहुत गलत असर पड़ेगा और सबके लिए। अगर एक बार एक चाहे एक इंसिडेंट भी होता है, उसके वजह से जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, हर कोई उसी एक लाइन पे चढ़ जाता है कि अगर ये हो रहा है तो हाँ इसी तरीके से हर कोई करेगा, विच इज़ नॉट ओके। एंड क्या वाकई में ये घटना बहुत ज़्यादा असर कर रही है समाज पर और जगह जगह चर्चा तो हो ही रही है सोशल मीडिया से लेके आप स्टूडेंट्स के बीच में भी, तो इसका क्या वाकई में एक बड़ा और बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों में या इतना नहीं पड़ रहा है?
से इम्पैक्ट तो पड़ता है, ऑब्वियसली पीपल गेट अ टॉपिक टू टॉक अबाउट, लेकिन इसमें गलत ही है कि अब बहुत जेंडर बेस्ड कर दिया है. इट इज़ नॉट अबाउट जेंडर. बहुत सारे IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स अपने जो फीमेल पार्टनर्स होते हैं उनको चीट करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. तब ऐसा तो नहीं होता कि जो मेल पार्टनर्स हैं उनको मना कर दे कि आप मत जाओ, तैयारी मत करो या आगे मत बढ़ो ज़िंदगी में. जस्ट बिकॉज एक इंडिविजुअल ने ऐसा किया है तो उसका मतलब ये नहीं हर कोई करेगा, और हर चीज़ में जेंडर को डालना ज़रूरी नहीं होता. तो आई थिंक इसमें से जेंडर हटा दे और सिर्फ उसको एक केस की तरह ले कि ये देखे कि गलत क्या हुआ है, किसके साथ गलत हुआ है, तो आई थिंक बहुत बेटर होगा फॉर द सोसाइटी ऑल्सो एंड फॉर द केस ऑल्सो. जेंडर बैसनेस नहीं होनी चाहिए. आप एक छात्र हैं तो क्या लग रहा है अगर आलोक मौर्या की जगह खुद को रख के देखें, फिर अगर जेंडर बायसनेस की बात करें तो क्या लगता है आपके साथ अन्याय होगा कि न्याय होगा? जी, सबसे पहली बात ये है कि जो इनका मामला है वो बहुत ही सिविल है और पर्सनल है, और इसका प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सोशल मीडिया में काफ़ी उछाला जा रहा है, और हमें नहीं लगता है कि इस एक छोटे से मामले से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है समाज में, क्योंकि हम भी एक छात्र हैं, हम बाहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और अनेक घटनाएं घटती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना छोड़ देते हैं, उनको सपोर्ट करना छोड़ देते हैं. और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत बार अपने माँ बाप को पे बैक नहीं करते हैं, या फिर तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर माँ बाप जो है अपने बच्चों को पालना छोड़ते. तो ये केस भी बिल्कुल इसी तरह से है कि एक किसी एक घटना से, एक किसी हादसे से लोग सड़क पर निकलना नहीं छोड़ेंगे. तो मैं इसको देखता हूँ कि एक ये छोटी सी बात है जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन, सोशल मीडिया अटेंशन मिलने के वजह से जो है इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और इस पर बात नहीं करनी चाहिए. सिविल मामले को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और यही एक तरीका है कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो समाज पर ना पड़े. कोई बता रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, खासतौर से उनके ऊपर जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं जो तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं. आपके बगल में बैठे उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मामला सिविल है और पर्सनल लेवल तक ही इसको होना चाहिए. क्या मान रही हैं आप? हम पूरी तरीके से अग्री करते हैं शुभम भैया से इस बात पर कि अभी ये बहुत मेन टॉपिक है, अभी हाइप किया गया है. बट मेरा ये कहना है कि आज अगर एक लड़का नौकरी कर रहा होता है तो लड़की जब घर में खाना पका रही होती है तो कितना नॉर्मल लगता है, हाँ ठीक है. पर अगर लड़की काम कर रही हो, घर में लड़का पका रहा है, तो उसको नॉर्मलाइज़ नहीं किया गया. क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है इस बात से कि एक लड़की ने कुछ कर दिया तो इसका मतलब पूरी लड़की कम्युनिटी गलत, ये कैसे सही हो सकता है? ये तो पूरी तरीके से गलत है. मेरा व्यू ये है, अकॉर्डिंग टू मेरा पॉइंट ये है कि एक ने ऐसा किया इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसा करेंगे, या अगर द गाय इज़ सही, जो मेरे को नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर अगर वो जो लड़का सही है तो वो सही है, तो उसने गलत किया तो ज़रूरी नहीं है कि हर कम्युनिटी गलत ही करेगी. मेरा बस यही मानना है. तो ये थी BHU के DAB कॉलेज की छात्र छात्राएं जिनका साफ कहना है कि एक केस को, ज्योति मौर्या के केस को नज़ीर नहीं बनाया जा सकता. ख़ास तौर से इसका असर ज़रूर समाज पर पड़ा है, लेकिन ऐसा होना कहीं भी उचित नहीं है, और इसको कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस से नहीं देखा जाना चाहिए. रोशन जायसवाल, वाराणसी, UP तक.